नमस्कार। हमारा जो शरीर है वो सात चक्रों से निकलने वाली एनर्जी से आवृत है, ढका हुआ है, जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं, दिव्य कांति वलय बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। और उस आभा मंडल की स्ट्रेंथ कितनी है उसको हम लेकर एंटीना से चेक कर सकते हैं। इसमें केवल 5000 से अगर कम आती है तो वो क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है, वो 5000 से ऊपर होनी चाहिए। और यदि 18000 आती है वो डिविनिटी मानी जाती है, बहुत ही वो रेयर होती है। अब यहाँ पर हमारे साथ वेदांत जी हैं और हम इनको लेकर एंटीना से इनका टोटल जो एनर्जी ऑरिक एनर्जी का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको चेक करेंगे। तो पहले हम लेकर एंटीना को 3.3 वेवलेंथ पर ला करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे प्रीवियस रीडिंग। उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं हम इसको वॉइस यूनिट एनर्जी में, यानी 1000 से 18000। और इसको जो है अब आपके सामने जहां पर ही आपकी तरफ गिरेगा वो आपका ऑरा का जो स्ट्रेंथ एनर्जी का वो मैच आपके माना जाएगा। अभी ये 17000 है, 16000, 15000, 13000, 12000, 11000, 10, 9000, एक एक करके एक एक जब बढ़ाते जाते हैं और इससे चेक करते जाते हैं कि कहां पर जहां मैचिंग होगा वो आपके साइड गिर जाएगा। अब ये जैसे 6000 पे गिर गया, ये 6000 इनकी जो है ऑरिक एनर्जी की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब हमको ये देखना है कि क्या स्पर्श करने से, टच करने से क्या इस एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो अब हम प्रयोग करके देखते हैं। चेक किया वेदांत जी का 6000 जो है वॉइस यूनिट एनर्जी लेवल, जो ऑरिक स्ट्रेंथ जो है ऑरिक एनर्जी है 6000 दिखाई दी। अब आप हम ये देखेंगे टच थेरेपी के माध्यम से आप कितना किसी की एनर्जी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आपने ध्यान मुद्रा लगानी, बाएं हथेली से दाएं हथेली ऊपर, कमर सीधी, गर्दन सीधी और डीप ब्रीथ, लंबा श्वास लेना, धीरे धीरे करके छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ओम जज्जागरतो दूरमदेहिदये बन्धुको सुचतते वैति दूरंगवन् ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब यहाँ पे टच थेरेपी कुछ सेकंड की अप्लाई हुई है, अब देखना यह है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो अब हम जो है दोबारा रीस्कैन कर रहे हैं, तो अब हम दोबारा इसको फिर एक बार न्यूट्रलाइज करेंगे लेकर एंटीना को 3.3 वेव लेंथ पे और वापस इसको ले आते हैं 18000 वॉइस यूनिट लेवल पे। अब आप इधर देखिएगा, अब ये चेक करना है कि आपका जो एनर्जी लेवल इसमें इंप्रूवमेंट आया कितना है। 17000, 16000, ये आपका 15000 हो गया, ठीक है। तो 6000 से 15000, 9000 का जंप लगा है। इसका मतलब जो हम लोग आशीर्वाद जो दिया जाता है या किसी को हम लोग चरण स्पर्श करते हैं आशीर्वाद देते हैं या हम लोग आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों से, साधु संत योगियों से लेते हैं आशीर्वाद, तो उससे क्या होता है एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। वो एनर्जी उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो दूसरे में ट्रांसफर होती है और वो यहाँ पे प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से टच से एनर्जी लेवल बढ़ाया जाता है। ओम शांति।